आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद उन लोगों में बुत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उन बुरे लोगों में बाज नेक लोग भी थे। ये बुरे लोग उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनसे तकर्रुब हासिल करते थे, उनकी शान में बहुत मुबालगा करते थे, जैसा कि आजकल बाज लोग उलमा और सालेहीन की मदह सराई में जमीन व आसमान के कुलाबे मिलाते हैं। यही चीज बाद में शिर्क का जरिया बनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह नूह आयत 23 में अल्लाह के फरमान وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا और उन्होंने कहा कि हरगिज अपने माबूदों को न छोड़ना और न वद और सुवा और यगूस और यऊक और नस्र को छोड़ना। की तफसीर करते हुए इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की है, वो फरमाते हैं कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाज नेक आदमियों के नाम हैं। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि जहां वो हजरात बैठा करते थे वहां उनके बुत बनाकर रख दो और उनको वही नाम दो जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बुत बनाकर उनके नाम उन बुजुर्गों वाले रख दिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा न हुई, लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म मिट गया तब उनकी पूजा होने लगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब में पूजे गए और अल्लाह ताला के फरमान का यही मतलब है, यानी उन नेक बुजुर्गों के बुत बना लिए गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा शुरू कर दी गई और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम अकेले इस दुनिया में मुवाहिद और तौहीद परस्त बाकी रह गए। नूह अलैहिस्सलाम का नसब कुछ यूं है, नूह बिन लामिक बिन मत्तूशलाह बिन इदरीस। इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम इनके पड़दादा हुए। उस वक्त लोगों की उम्रें बहुत तवील होती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम कई 100 साल जिंदा रहे और नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से भी ज्यादा अरसा जिंदा रहे। उम्र लंबी होने की वजह से इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान काफी मुद्दत बनती है और इसी मुद्दत के दौरान कुफ्र और शिर्क ने जोर पकड़ा और बुतों की इबादत शुरू हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को जमीन में मबूस फरमाया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 कर्न थे। एक कर्न 100 साल का होता है। आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद तक लोग तौहीद पर कायम रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उन्हें शिर्क के रास्ते पर डाल दिया। शिर्क आम हो गया, एक अल्लाह की इबादत बिल्कुल खत्म होकर रह गई। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी, उन्होंने बहुत मुशक्कत उठाई, जैसा कि सूरह नूह में अल्लाह फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अर्सलना नूहन इला कौमी अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون। अल्लाह ताला बख्शिश और रहम करने वाले के नाम से शुरू करता हूँ
यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूं कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्ते मुकर्ररा तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मौकूफ नहीं होता। काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते, दिन रात लोगों के घरों और उनके इज्तिमात में जा जाकर उन्हें दावत देते। आप उन्हें एलानिया और पोशीदा तौर पर दावत देते, यहां तक कि दावत देते देते उन्हें 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान न लाया। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शिश तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था, वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान न धरना और न इससे बहस करना, ये जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। चुनाचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ से कान बंद कर लिए, अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, ऐ परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने उन्हें फायदा तो न दिया उल्टा नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दाव किया, यानी दूसरों को मेरे दरपे कर दिया, खुद भी मुझे सताने में कोई कसर न छोड़ी, और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अपने देवताओं को न छोड़ना, न वद और न सुआ और न यगूस और न यऊक और न नस्र को छोड़ना। इन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला, और परवरदिगार तू ऐसा कर कि ये जालिम और ज्यादा गुमराह। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इतने तवील अरसा में सिर्फ 80 के करीब लोग मुसलमान हुए, और उन ईमानदारों की अक्सरियत फुकारा, मसाकीन, नातवा और गुलाम किस्म के लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनकी मुआशरे में कोई हैसियत नहीं होती। मुश्किल से 10 ईमानदार ऐसे होंगे जो शरफ व जाह के मालिक होंगे। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम के मगरूर सरदारों ने जब इस सूरत हाल को देखा तो इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ नूह, हम चाहते हैं तेरी बातें सुने और लोगों को भी तेरी बातें सुनने की तरगीब दें और सब तुझ पर ईमान ले आए, लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है, ये कि आपके हल्के में जो ये जलील और हकीर लोग आ गए हैं इन्हें धक्के देकर अपने पास से निकाल दे, इसलिए कि हम अपनी कौम के सरदार, चौधरी और मकाम मर्तबे वाले लोग हैं, इसलिए हम इन फकीर लोगों के पास नहीं बैठ सकते। अगर आप इन्हें निकाल देते हैं तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के इन सरदारों की तर्दीद सूरह हूद आयात 27-31 में की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون كافر سردار نوح سے کہنے لگے हम तो यही देखते हैं कि तू हमारी तरह एक आदमी है, और ये भी देखते हैं कि सिर्फ उन लोगों ने तेरी पैरवी की है जो हम में रजील हैं, वो भी ऊपर की अकल से,
और हम तो तुम्हें किसी बात में अपने से ज्यादा नहीं पाते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नूह ने कहा, ए सरदारो बतलाओ तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से जो दलील आई है उस पर कायम हुआ और उसने अपनी मेहरबानी से मुझे सरफराज किया और तुमसे वो छुपी रही तो क्या जबरदस्ती मैं उसे तुम्हारे सर मंड दूंगा, हालांकि तुम इससे बेजार हो। وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين। मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ताला के हां है, न मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूं, उन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग जहालत की बात कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है, क्या तुम कुछ भी गौर व फिक्र नहीं करते? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, न मैं ये कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं, न मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही हैं अल्लाह ताला उन्हें कोई नेमत देगा ही नहीं, उनके दिल में जो है अल्लाह उसे बखूबी जानता है, अगर मैं ऐसी बात कहूं तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में से होगा। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अकड़ गई और वो कहने लगे, ए नूह बस बहुत हो गया, तूने हमें बहुत डरा धमका दिया, अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज का वादा तू हमसे करता था उसको ले आ। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह को कोई आजिज नहीं कर सकता और जब उसका अजाब आ जाएगा तो कोई भाग नहीं सकेगा। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम का उनसे आमना सामना हुआ तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम पर यह गिरां गुजरता है कि मैं तुम में रहता हूं और तुम्हें अल्लाह की बातें सुना रहा हूं, तुम इससे चिढ़ते हो और मुझे नुकसान पहुंचाने के दरपे रहते हो, तो सुनो मैं साफ कहता हूं, मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुमसे जो हो सके कर गुजरो, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, तुम अपने शरीकों और झूठे माबूदों को भी बुला लो और मिलजुल कर मशवरे करके बात खोलकर पूरी कुव्वत के साथ मुझ पर हमला करो, तुम्हें कसम है तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, इसमें कोई कसर उठा न रखो, मुझे बिल्कुल मोहलत न दो, अचानक मुझे घेर लो, मैं बिल्कुल बेखौफ हूं इसलिए कि तुम्हारे रास्ते को मैं बातिल जानता हूं, मैं हक पर हूं, हक का साथी अल्लाह होता है, मेरा भरोसा उसी अजीम जात पर है, मुझे उसकी कुदरत की बड़ाई मालूम है। नूह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी कौम को चैलेंज दिया, लेकिन किसी में ताकत न हुई कि वो नूह अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सके, चुनाचे कहने लगे, इसे छोड़ दो, ये मजनून और बेवकूफ है, नऊज़ु बिल्लाह। बहरहाल मामला इसी तर्ज पर चलता रहा, यहां तक के साल हसाल गुजर गए लेकिन कोई मुसलमान न हुआ। फिर पहाड़ पर रहने वाले लोग रोज बरोज बुराई में तरक्की करते चले गए और जो लोग शुरू में ईमान लाए थे उनके अलावा और कोई शख्स ईमान न लाया। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलसल दावत देते रहे मगर बेअसर।
यहां तक कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अब कोई शख्स ईमान नहीं लाएगा। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ। नूह की तरफ वही की गई कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा और कोई अब ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन न हो। मतलब ये था कि आप गम न करें, अल्लाह का हुक्म अब पूरा होने वाला है। गौर फरमाएं, नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखिए, मुसलसल 950 साल तक दावत देते रहे, लोग उन्हें झुठलाते रहे, लेकिन फिर भी उनसे नाउमीद न हुए। अब जबकि अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि उनमें से और कोई ईमान नहीं लाएगा और किसी में ताकत नहीं कि उन्हें हिदायत अता फरमाए, तो नूह अलैहिस्सलाम नाउमीद हो गए और उन्होंने अपनी कौम पर बद्दुआ की। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह आयात 26 ता 28 में किया है। وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا। नूह ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू रुए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला न छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये यकीनन तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे और इनके हाथ जो औलाद होगी वो भी बदकार नाशुक्रे होंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे और काफिरों को सिवाय हलाकत के और कुछ न दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद के लिए पुकारा तो फिर हमने उसकी मदद की और उसे एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए और न ही वो बढ़ाई थे कि इस काम से वाकिफ होते। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ ये वही की कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। अल्लाह ने वही के जरिए उनकी रहनुमाई की कि वो इस तरह करें और मजीद तालीम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो उन्हें बतलाते गए कि इस तरह कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, उनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे न पानी था, चुनाचे उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े तख्ते बनाते और लोहा लाते और उनसे कील तैयार करते, फिर उन कीलों को तख्तों में ठोकते, आपस में उन तख्तों को मिलाते, यहां तक कि एक बहुत बड़ी मजबूत और देव हैकल कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने उसको 100 साल में तैयार किया। ये थी वो कश्ती जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक तैयार किया था। सूरतुल कमर आयत 13 में इरशाद होता है, وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ और हमने नूह को उस कश्ती में सवार किया जो तख्तों और कीलों से बनी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लगे। वो लोग जब उन्हें कश्ती बनाते देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कहते, नूह पहले तो तू नबी था, अब बढ़ई बन गया। मजीद कहते, ये कैसा मजनून है कि पहाड़ पर कश्ती बना रहा है, ताज्जुब है इस पर। अल्लाह ने उन काफिरों के मजाक का जिक्र सूरह हूद आयात 38 और 39 में किया है। وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. نوح کشتی بنانے لگے, اس کی قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مذاق اڑاتی, وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم مسخرہ پن کر رہے ہو. تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ کا عذاب اتر آئے. اس کشتی کا حلیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں یوں آیا ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لت پت کیا. اسی وقت سے تارکول کا ظہور ہوا. اس کشتی کا طول 300 گز, اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا. ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 30 ہاتھ تھی, اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے, اور جس طرح نیچے والے غرق ہونے سے محفوظ رہیں اسی طرح اوپر والے بھی محفوظ رہیں. گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی. اس میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے, ہر درجے میں ایک دروازہ تھا, اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا. یہ اس کشتی کا حلیہ تھا جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. یہ کشتی آج بھی موجود ہے. اللہ تعالی نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے, جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, وَلَقَدْ تَرَكْنَا اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا, پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اس صدی میں علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے. اب وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اس کا حلیہ وہی تھا جو بیان ہوا. اللہ کا فرمان سچا ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے. اس کے بعد طوفان آیا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی ایک نشانی اور علامت بتلائی تھی. نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا. اللہ نے فرمایا, جب یہ تنور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا. چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا. تنور سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے, لیکن راج روایات کے مطابق اس سے مراد معروف تنور ہے جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں. یہ تنور نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا, اور اسی کو اللہ نے طوفان کے آنے کی علامت بتایا اور فرمایا کہ جب یہ پھوٹ پڑے اس وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر لینا. اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 40 میں فرماتے ہیں, حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا, ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دوہرے سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے, اور سب ایمان والوں کو بھی. اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے. کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے. چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی ان کی بستی میں لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی. اللہ کی قدرت کہ تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے. نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا.
अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयात 11 और 12 में फरमाते हैं, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، بس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا. آسمان سے نازل ہونے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا اس کا اندازہ اللہ ہی کو ہے. بہرحال اس پانی نے زمین پر رہنے والے انسان، چوپائے، حیوانات، غرض ہر چیز کو غرق کر دیا. اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں، نوح نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے. فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور اس تکلیف اور ایذا سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روز مرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، یعنی انہی کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا. نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا. پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا. اللہ مزید فرماتے ہیں، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں. یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شہر، بستیاں، انسان اور جانور غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے. نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور رحیم. اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے. یہی اللہ کا حکم آپ کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے. کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے. آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا، وہ ایک طرف کھڑا تھا. نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن. لیکن اس بدبخت نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی. نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے. باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا. نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو نجات عطا فرمائے گا. چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو. واضح ہو کہ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور استفسار تھا،
बतौर बहस नहीं था, आप वजाहत चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र नसब को खत्म कर देता है। एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ताल्लुक एक मुसलमान भाई के काफिर भाई से ताल्लुक से ज्यादा बड़ा है, और हकीकी अखुवत वो है जिसकी बुनियाद ईमान पर हो। कुफ्र तो नसबी ताल्लुक को काट देता है, इसलिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो काफिर है, बल्कि ये फरमाया कि वो तेरे अहल से नहीं है। हमारे लिए भी यही हुक्म है, किसी मोमिन का काफिर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। इसके साथ अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई कि आप हरगिज वो चीज न मांगें जिसका आपको मुतलकन इल्म ही न हो, और हम आपको नसीहत करते हैं कि जाहिलों में अपना शुमार कराने से बाज रहें। जब नूह अलैहिस्सलाम ये बात जान गए कि उनका सवाल वाकये के मुताबिक नहीं था, तो फौरन उससे रुजू कर लिया और अल्लाह ताला से उसकी रहमत और मगफिरत के तालिब हुए। इस मौके पर उन्होंने दुआ की, قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे न बख्शेगा और तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। ये दुआ उन्होंने मांगी। अपने बेटे के मुतालिक सवाल के अलावा नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी नहीं की और न अपने नफ्स पर किसी नाफरमानी को शुमार किया। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को लिए पानी की मौजों पर बुलंद हो रही थी, और जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, हैवानात, चौपाए, परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें कोई भी बाकी नहीं बचा था। अगर कोई जिंदा बचा था तो कश्ती वाले। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 माह कश्ती में रहे, और बाज रिवायात में यह भी है कि वो मुहर्रम की 10 तारीख को कश्ती से नीचे उतरे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो तमाम पानी को निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया, जमीन खुश्क हो गई। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 44 में फरमाते हैं, وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين। और फरमा दिया गया कि ऐ जमीन अपने पानी को निगल जा और ऐ आसमान बस कर थम जा। उसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया, और कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी, और फरमा दिया गया कि जालिम लोग अल्लाह की रहमत से दूर हैं। कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आए। आप पर भी बरकत नाजिल होगी और उन कौमों पर भी जो आइंदा आपकी नस्ल से पैदा होंगी, और आपकी नस्ल में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। बहुत सी रिवायात में ये बात मजकूर है कि नूह अलैहिस्सलाम एक लंबी मुद्दत यानी 6 माह कश्ती में तूफान थम जाने का इंतजार करते रहे। आपने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कबूतर भेजा जो वापस आ गया। उसे पांव रखने को जगह न मिली। उसे दोबारा भेजा गया तो वो फिर वापस आ गया। चंद दिन बाद उसे फिर भेजा गया तो वो अपनी चूंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए था। इससे नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वो वापस लौटा तो उसके पांव खाक आलूद थे। नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि तूफान रुक गया और जमीन खुश्क हो चुकी है। सीरत की कुतुब में यह वाकया मौजूद है। इसी की बुनियाद पर सीरत निगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था
और उसकी चूंच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा था। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर उतर आए। उस वक्त औलाद आदम में से कोई इंसान सिवाय उन लोगों के जिंदा नहीं बचा था। जजीरा अरब, फिलिस्तीन और इनके इर्द गिर्द का इलाका गर्क होने से महफूज रहा। इनके अलावा तमाम जमीन गर्क हुई थी। सब के सब तूफान की नजर हो गए। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से औलाद पैदा हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा और किसी की नस्ल बाकी न रही। इसी वजह से नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी और अबुल बशर सानी कहा जाता है, क्योंकि तमाम के तमाम बशर उन्हीं की तरफ मंसूब हैं। सूरत उस्साफात आयात 75 ता 77 में इसी तरफ इशारा है। وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ। और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसे अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फरमाबरदारों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया। उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला दीगर उमम और रसूलों के मुतालिक कलाम करते हुए फरमाते हैं, ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ चढ़ा लिया था, वो हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे थे, साम, हाम और याफिस। साम की नस्ल ज्यादातर सफेद रंगत की थी और बहुत कम लोग उनमें स्याह फाम थे, अलबत्ता कुछ उनमें गंदुमी थे। हाम की औलाद की अक्सरियत स्याह फाम थी, उनमें बहुत कम लोग सफेद रंग के थे और याफिस की औलाद सुर्खी माइल रंग की थी। अरब और बनू इसराइल साम की औलाद हैं। तमाम हबश हाम की औलाद हैं। तुर्क और मशरक एशिया के लोग याफिस की औलाद है। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों में 350 साल तक जिंदा रहे और वो अल्लाह के कौल अब्दन शकूरन के मिस्ताक थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। राजह तरीन रिवायात के मुताबिक आप मक्का में दफन हुए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप लबनान में दफन हुए।